हाय फ्रेंड्स, ये मेरे पास हीरो होंडा सुपर स्प्लेंडर बाइक का, और इस बाइक में कस्टमर बोल रहे थे कि रनिंग बाइक में जो मीटर का लाइट चला गया, तो इस बाइक में मैंने जब चेक किया था तो करंट भी नहीं आ रहा था। तो इसमें मैंने अपना CDI लगाया है तो फिर भी करंट नहीं आया, तो फिर ये CDI जो बाइक का CDI है, और मैंने बाइक का भी बैटरी निकाल के मैंने उसमें अपना बैटरी बाइक में इंस्टॉल किया है, तब भी मैं चेक किया करंट नहीं आ रहा। फ्यूज भी मैंने चेक किया तो देखिए मैंने चाबी को कर लिया ऑन, फिर आप लोग को मैं करंट चेक करा तो करंट आ रहा या नहीं आ रहा। तो देखिए जब हम लोग किक का अप्लाई करेंगे तो करंट आना चाहिए, मगर यहाँ पर जब हम लोग किक अप्लाई कर रहे हैं तब करंट आना चाहिए, मगर देखिए हम लोगों ने बहुत किक मारा मगर फिर भी इसमें करंट नहीं आ रहा। 4-5 किक मार के भी चेक किया फिर भी करंट नहीं आया। तो फिर मैंने एक बार इसका सोचा कि रेक्टिफायर इधर चेक कर लेते हैं कि वायरिंग वगैरह तो नहीं कटा, तो मैंने रेक्टिफायर इधर भी थोड़ा चेक किया तो वायरिंग वगैरह में कोई दिक्कत नहीं था। बाकी मैंने फ्यूज वगैरह भी चेक कर लिया। तो देखिए ये बाइक का CDI है और मैं बाइक में इंस्टॉल भी CDI कर दिया और अपना CDI मैंने बाहर निकाल लिया। तो उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पर जब वायरिंग चेक किया तो यहाँ पर वायरिंग मैं जब हिलाया तो देखिए वायरिंग हिलाने पर मीटर का न्यूट्रल लाइट आ रहा है तब जा रहा है, तो मुझे ऐसा लगा कि वायरिंग ही में प्रॉब्लम है, क्योंकि जब हम लोग वायरिंग हिला रहे तो हमारा न्यूट्रल लाइट ब्लिंक कर रहा। तो मैंने सोचा कि इसका वाइजर ओपन करके चेक करेंगे, तो फिर मैंने सोचा कि एक बार कहने इसका करंट चेक कर लेते हैं जहाँ पर न्यूट्रल लाइट जल रहा है। तो वहाँ पर देखिए जब मैंने सेल्फ का अप्लाई किया तो वहाँ पर करंट आना शुरू हो गया, तो जो मुझे जो प्रॉब्लम लगा वो वायरिंग ही में प्रॉब्लम लगा। तो मैंने फटाक्सन इसका जो वाइज़र ओपन किया और वाइज़र ओपन करने के बाद जो मैंने इसका हैंडल लॉक का वायर है वो मैं मुझे उस पर डाउट गया कि ये वायर में टेपिंग किया हुआ है, और इसका जो लॉक है लॉक ही में मुझे प्रॉब्लम लगा क्योंकि लॉक का जो कनेक्शन है वो लूज़ कनेक्शन था। और यहाँ पर जो वायरिंग दिख रहा है इस पर भी मुझे डाउट गया कि जब मैं इधर से हिला रहा था तो हमारा न्यूट्रल का लाइट आ रहा था तो कभी जा रहा था, तो मैंने सोचा कि इसका वायरिंग है वो हम लोग यहाँ से चीरेंगे। तो देखिए मैंने इसको वायरिंग को भी मैंने चीरा, और ये वाला रेड वाला वायर है ये मेन वायर इनपुट सप्लाई हमारा 12 वोल्ट लॉक किट में आता है और चाबी ऑन करने पे दूसरे वायर से आउटपुट निकलता है। तो फिर मैंने लॉक का वायर कपलर हटा के मैंने सोचा उसको डायरेक्ट करके चेक करेंगे, तो मैंने उसको हटा दिया उसका वायर, फिर मैंने डायरेक्ट किया तो देखिए न्यूट्रल लाइट आ गया। फिर मैं अपने हाथ से चाप कर रखा उसको, फिर देखिए मैं वायरिंग हिलाया तो मैं सोचा तब प्रॉब्लम पता चल जाएगा, तो देखिए मैंने उसको दबा कर हिलाया वायरिंग तो देखिए न्यूट्रल लाइट बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है। तो जो मुझे जो प्रॉब्लम गया वो इसका हैंडल लॉक ही पर प्रॉब्लम गया। अब इसका जो हैंडल लॉक वो हम लोग नया डालेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने फाइनली हैंडल लॉक किट है वो मैंने न्यू इंस्टॉल कर दिया, और आप लोग को चाबी ऑन करके मैं चेक करा रहा हूँ। तो देखिए मैं जब चाबी ऑन किया और वायरिंग को जब मैं हिला रहा हूँ तो देखिए न्यूट्रल लाइट नहीं जा रहा, तो समझिए जो प्रॉब्लम है वो हैंडल लॉक ही में था। और मैंने वो लॉक किट भी न्यू ओरिजिनल हीरो का डाल दिया, टैंक का भी डाल दिया और हैंडल का भी डाल दिया। और एक चीज़ आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, ये जो लॉक है ये किस चीज़ का काम आता, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए आज का वीडियो इतना ही सा, बाकी मिलते हैं आप लोग साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।